नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव्स में। और आज हम बात करेंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करती है। शुरुआत करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल से। तो पहले एक कंटेनर के अंदर हम गैस भरेंगे और दूसरे कंटेनर के अंदर लिक्विड भरेंगे और उन दोनों को एक प्लंजर सिस्टम से सील कर देंगे। अब जब आप गैस वाला जो प्लंजर है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो गैस कंप्रेस होगा और जो प्लंजर है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, जबकि लिक्विड के अंदर ये चीज़ नहीं होगी क्योंकि लिक्विड एक अनकंप्रेसिबल ऑब्जेक्ट है। अब ऐसे ही दो सिलेंडर को हम कनेक्ट करेंगे पाइप की मदद से एक दूसरे के साथ, और पहले और दूसरे सिलेंडर के अंदर कनेक्ट करेंगे हम पिस्टन और उसके अलावा जो क्लोज एरिया है उसको हम भर देंगे ऑयल से। अब अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो जब भी आप एक प्लंजर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो ऑयल है वो दूसरे कंटेनर की ओर जाएगा और जो दूसरा प्लंजर है उसे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स करेगा। तो यही प्रिंसिपल को यूज़ करके ड्राइवर द्वारा जो ब्रेकिंग फोर्स लगाया गया है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्रेकिंग मैकेनिज्म की ओर। अब अगर बात की जाए कंपोनेंट की तो पहले हम देखेंगे मास्टर सिलेंडर के अंदर। तो मास्टर सिलेंडर के अंदर नॉर्मली दो रिजर्वियर होते हैं, पहला जो है वो है प्राइमरी रिजर्वियर और दूसरा है सेकेंडरी रिजर्वियर। अब उन दोनों रिजर्वियर के नीचे एक सिलेंडर लगता है जिसके अंदर दो पिस्टन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पिस्टन जो है वो कनेक्ट होता है फुट लीवर के साथ और सेकेंडरी पिस्टन जो है वो बाय मीन्स ऑफ रिटर्न स्प्रिंग कनेक्ट होता है प्राइमरी पिस्टन के साथ। बाद में सेकेंडरी पिस्टन के साथ कनेक्ट होगी एक रिटर्न स्प्रिंग जो दोनों के दोनों पिस्टन है उसे इनिशियल पोजीशन में वापस आने में मदद करेगी। तो अब बात करते हैं सिस्टम के वर्किंग की। तो जब भी आप ब्रेक पेडल को प्रेस करेंगे तो प्राइमरी पिस्टन जो है वो सेकेंडरी पिस्टन को फोर्स ट्रांसफ़र करते हुए दोनों पिस्टन साथ में फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, जिसके कारण दोनों रिजर्वियर है वो सील हो जाएंगे और एक आर्टिफिशियल कंप्रेशन चैम्बर जनरेट होगा। अब वो आर्टिफिशियल कंप्रेशन चैम्बर दोनों पिस्टन को ऑयल को प्रेशराइज करके आउटपुट पोर्ट में से बाहर धकेलने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं ब्रेकिंग मैकेनिज्म की। तो नॉर्मली ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक दो यूज होते हैं। तो पहले हम देखेंगे ड्रम ब्रेक को। तो ड्रम ब्रेक के अंदर एक ब्रेक ड्रम होता है, ब्रेक ड्रम के अंदर होते हैं दो ब्रेक शू। ब्रेक शू के साथ कनेक्ट होता है व्हील सिलेंडर और दोनों ब्रेक शू को कनेक्ट किया जाता है रिटर्न स्प्रिंग के साथ। जब भी ब्रेक पेडल प्रेस करने के कारण मास्टर सिलेंडर में से जो प्रेशराइज ऑयल है वो आएगा व्हील सिलेंडर के अंदर, जो कि दोनों पिस्टन को बाहर की तरफ धक्का देगा और जिसके कारण जो ब्रेक शू है वो ड्रम के साथ कनेक्ट होंगे और फ्रिक्शन होने के कारण आपका व्हीकल जो है वो ब्रेकिंग एक्सपीरियंस करेगा। बात करते हैं डिस्क ब्रेक के कंस्ट्रक्शन की। तो डिस्क ब्रेक के अंदर जो डिस्क है वो व्हील के साथ रिजिडली माउंट होती है और डिस्क के एक सिरे पे माउंट होता है कैलीपर। अब जो कैलीपर है उसके अंदर आते हैं दो पिस्टन, यानी कि कैलीपर सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग टाइप भी हो सकता है और डबल पिस्टन भी हो सकता है। यहाँ हम बात करेंगे डबल पिस्टन की। तो डबल पिस्टन कैलीपर के अंदर डिस्क के दोनों साइड एक एक पिस्टन होंगे और डिस्क और पिस्टन के बीच में आएगा फ्रिक्शन लाइनिंग जो कि माउंट होगा पिस्टन के ऊपर। जो पिस्टन है वो हाइड्रोलिक लाइन की मदद से मास्टर सिलेंडर के साथ कनेक्ट होगा। अब बात करते हैं डिस्क ब्रेक के वर्किंग की। तो जब भी ब्रेक पेडल प्रेस किया जाएगा प्रेशराइज ऑयल जो है वो कैलिपर के अंदर दाखिल होगा और वो पिस्टन को धक्का मारेगा डिस्क की ओर, यानी कि पिस्टन फ्रिक्शन लाइनिंग की मदद से डिस्क के ऊपर फ्रिक्शन क्रिएट करेगा और डिस्क अपना फ्रिक्शन के कारण जो मोशन है वो बंद कर देगी, यानी कि आपके व्हीकल को ब्रेक लग जाएगी। अब बात करते हैं पूरी की पूरी कार की हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो फुट पैडल के साथ कनेक्ट होगा मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर में से दो लाइन निकलेगी, एक लाइन जो है वो जाएगी रियर ड्रम ब्रेक्स के अंदर, एक लाइन जाएगी फ्रंट डोर डिस्क ब्रेक के अंदर। यानी कि जब भी आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हाइड्रोलिक मास्टर सिलेंडर के अंदर से फोर्स्ड ऑयल जो है वो एक साथ चारों की चारों ब्रेक के व्हील सिलेंडर या कैलिपर के अंदर जाएगा और जिसके कारण आपके व्हीकल के ऊपर सिमल्टेनियसली ब्रेक अप्लाई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव्स चैनल को, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहे।